ये बेसिकली मीटिंग योगी जी ने कोऑर्डिनेट करी है। जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि नोएडा में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, बिल्डर्स को फ्लैट डिलीवर नहीं कर रहे, फ्लैट ओनर्स को पैसे ले चुके हैं 50-90-95% और फ्लैट नहीं मिल रहे। तो योगी जी ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया और नोएडा अथॉरिटी एंड यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एंड बिल्डर्स को बुला के एंड एसोसिएशन के मेंबर्स को बुला के, एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव फ्लैट ओनर्स को बुला के ये मीटिंग कोऑर्डिनेट करी गई। ओके सर, ये कौन से प्रोजेक्ट की बात चल रही है और सर आपका क्या रोल है इस चीज़ में? देखिए, मैं KRH बार एसोसिएशन है, ये क्रिसेंट होम के बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज की जो मीटिंग थी ये JP विस्टाउन के लिए थी एंड क्रिसेंट होम JP विस्टाउन का एक प्रोजेक्ट है, तो इसलिए ये मीटिंग कॉल करी गई। ओके सर, आज कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग को हेड कर रहे थे? आज नोएडा अथॉरिटी के CEO थे, यमुना एक्सप्रेसवे के CEO थे एंड पहले तो JP से कोई आया नहीं था, हम लोगों ने काफ़ी इंसिस्ट किया एंड तो उस केस के अंदर उनको बुलाया गया एंड समीर गौर जो JP गौर साहब के यंगर लड़के हैं वो आए इस मीटिंग के अंदर। सर तो क्या क्या बातें हुई है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ों पे डिस्कशन हुआ? मीटिंग हुई कि आपका टोटल शॉर्टफॉल कितना है, ये क्वेश्चन हमने बार बार रेज किया कि आपका शॉर्टफॉल कितना है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपने विस्टाउन के लिए 26,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है और उसमें से केवल 16,000 करोड़ रुपया आपने खर्च किया है और 10,000 करोड़ रुपया शॉर्टफॉल है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, हमने उनसे कई बार क्वेश्चन पूछा, बार बार क्वेश्चन पूछा, मगर उसका उनके पास जवाब नहीं था। ओके सर, जो ये प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है इसमें पोजीशन मिला है सर? कोई पोजीशन नहीं मिला, 2752 यूनिट है क्रेसेंट होम के अंदर, 2011 में लॉन्च हुआ था ये, 2014-15 तक इन्होंने पोजीशन देना था, आज तक एक भी यूनिट का पोजीशन नहीं दिया गया। सर तो कोई उनकी तरफ से कोई अश्योरेंस मिला हो आज कोई मीटिंग में? अश्योरेंस तो हर बार जब आप उनके पास जाएंगे वो उस डेट से 3 साल की आगे की अश्योरेंस दे देते हैं, और मगर वो 3 साल कब पूरे होंगे किसी को मालूम नहीं। ओके सर, कुछ प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं, जैसे बीइंग अ होम बायर आपको क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं सर रोज़? हम लोग चीटेड फील कर रहे हैं सर, EMI भी देते हैं सर, रेंट भी देते हैं और हमारे पैसे कहाँ गए किधर गए मालूम नहीं, ये केवल JP को मालूम है। सर लास्ट क्वेश्चन, आप JP ग्रुप को अगर कोई अपना मैसेज देना चाहेंगे? JP ग्रुप को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, देखिए आपका ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप हर एक प्रोजेक्ट का डेफिशिट निकालिए, कितना कितना डेफिशिट है, कितना कितना पैसा आपका शॉर्ट हो गया है, इन्फ्लेशन को आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करिए, अपने पैसे को एस्क्रो अकाउंट खोलिए हर प्रोजेक्ट का, अपने पैसे को उसमें डालिए, तभी आपको बाकी लोग भी कुछ पे करेंगे जिनका थोड़ा बहुत ड्यू रह गया पे करने का, अदरवाइज़ आपके ऊपर अब कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इतने लोग परेशान हो गए, पहले 3 साल आपने जब बुकिंग करी 3 साल बोला, फिर उसके बाद 3 साल ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, फिर आप 3 साल बोल रहे हैं, तो आप देंगे ना देंगे इस पर लोगों को विश्वास नहीं है।